अभी इंस्टाग्राम पे जाके रील बनाए तब अच्छा, वाह भाई वाह वाह बहुत बढ़िया। बताइए ये तो काम अच्छा कर रही है ना, माँ बाप को इन पे गर्व है और बिहार के लोगों को, बिहार के लड़कियों को गर्व। सीडी खोल सकता है वो भी तो चाय है ना, नाम थोड़ा सा अंग्रेजी में है कैफे कॉफी डे, तो एक चाय का दुकान बिहार में कहीं नहीं खोला जा सकता है। यहाँ का मार्केट इतना बड़ा है, दुकान मत खोलिए। आप अगर किसी का कॉपी कीजिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़िएगा जिंदगी में, यही चल रहा है ना पटना में, तो जो कॉपी करता है वो आगे नहीं बढ़ता है। आप कुछ यूनिट जहाँ सरकार गलत काम करता है वहाँ रिलाई हम करते हैं, उसमें डर नहीं रहा। तो कमाल का काम करता है सब, ससुरा सब जो भी लड़का है ना वो कमाल का काम करता है सब, लेकिन करेगा तो। मेरे साथ दो ऐसे शख्स है जो परिचय के मोहताज नहीं है, एक पटना के ग्रेजुएट चाय वाली है और एक सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप है। जैसा कि आपको पता है ग्रेजुएट चाय वाली की स्टॉल हटा दिया गया था, कल से ये चर्चा में बनी हुई है और तमाम तरीके के जो है पॉलिटिशियन के पास गई, फिलहाल आपका जो है स्टॉल वापस मिल गया है, क्यों हटाया गया था आपका स्टॉल? परेशान करने के लिए हो सकता है हटा दिया गया हो, परेशान करने के लिए। नगर निगम पहले भी आपको, नगर निगम के अधिकारी का इनमें कोई गलती नहीं था, जो छोटे लेवल के जो ऑफिसर थे उनका था, और जब सर को आयुक्त, नगर आयुक्त सर को जब पता चला तो उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया तुरंत। फिलहाल आपका स्टॉल वापस मिल गया? मिल गया, कल से कल मिल गया। देख सकते अभी मनीष भैया है मेरे साथ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको, आपके चैनल के लिए, और मतलब कि ग्रो भी कर रहे हैं, अच्छा खबर भी दिखा रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भैया आप आए हैं ग्रेजुएट चाय वाली के पास में, इनको लगातार इन पे टॉर्चर किया जाता है सरकार की तरफ से, कभी स्टॉल हटा के फेंक दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए जो लड़कियां करना चाहती है, बहुत लड़कियां करना चाहती है, डर रही है वो, इसको लेकर क्या? एक बात जानते हैं, नीतीश कुमार जी सोशल मीडिया देखते ही नहीं है। अच्छा, उनके बहुत सारे मंत्री लोगों ने बताया कि वो सोशल नहीं देखते हैं, वो पेपर भी नहीं देखते हैं, न्यूज भी नहीं देखते हैं, तो सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। हाँ हालांकि जहाँ सरकार गलत काम करता है वहाँ रिलाई हम करते हैं, उसमें डर नहीं रहे, लेकिन इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें कहीं नहीं तो कहीं नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, जिनको कुछ पैसा चाहिए था उन्हें नहीं मिला, इसलिए उन लोगों ने परेशान करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ईमानदार अधिकारी सामने आए और इनका दुकान जो है फिर वापस मिल गया। इनका लगातार ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया में, खासकर इंस्टाग्राम पे आपको ट्रोल किया जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए ट्रोल मैं बताना चाहता हूँ, ट्रोल इसलिए किया जा रहा है कि ये आगे बढ़ने वाली है, तमाम जो लड़कियां हैं वो करना चाहती हैं, आगे बढ़ने वाली हैं, बस इतना ही जानिए, इसलिए ट्रोल किया जा रहा है। वो लड़की जो है ये काम नहीं कर सकती है जो ये कर रही है, इसलिए ट्रोल कर रही है बस। अभी इंस्टाग्राम पे जाके रील बनाए तब अच्छा, वाह भाई वाह वाह बहुत बढ़िया। बताइए ये तो काम अच्छा कर रही है ना, माँ बाप को इन पे गर्व है और बिहार के लोगों को, बिहार के लड़कियों को गर्व होना चाहिए। आप आए इनके पास सपोर्ट करने के लिए, देखिए ये जो है लगातार आगे बढ़ रही है, पहले तो इनको बहुत बधाई, और जब से आइए कहीं ना इनको देखा, देखिए बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है, लड़के कहीं ना कहीं इसमें पीछे आ नजर आ रहे हैं, इनको लेकर क्या कहना है? नहीं लड़का तो कमाल का काम करता है सब, ससुरा सब जो भी लड़का है ना वो कमाल का काम करता है सब, लेकिन करेगा तब, जब तक नहीं करेगा, जब तक सोया हुआ है तब तक सोया हुआ है, जिस दिन जग गया हनुमान से कम नहीं है बिहार का एक एक लड़का। लेकिन अभी थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा रील देखने में, थोड़ा सा मैसेज करने में, रात में 12 बजे चैटियाने में थोड़ा सा व्यस्त है, जिस दिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा उस दिन हर एक बिहार के लड़कों के घर के सामने जो है एक BMW, एक मर्सिडीज, एक ऑडी, एक टाटा सफारी, एक फॉर्चूनर खड़ा हो जाए। CCD खोल सकता है वो भी तो चाय है ना, नाम थोड़ा सा अंग्रेजी में है कैफे कॉफी डे, तो एक चाय का दुकान बिहार में कहीं नहीं खोला जा सकता। चाय जी करना चाहता है उसके लिए क्या नियम लगाएंगे? अभी लोग पेपर तैयार करवा रहे हैं, अभी पेपर तैयार होगा फिर हम इंस्टाग्राम पे अनाउंस कर देंगे। अभी कोई प्लान नहीं है? नहीं नहीं प्लानिंग है, उस पे काम चल रहा है, काम चल रहा है। देखिए मनीष भैया आए हैं ग्रेजुएट चाय वाली को सपोर्ट करने के लिए, इनकी आवाज उठाने के लिए, ये कल से ट्रेंड कर रही है और कहीं ना कहीं इनका जो स्टॉल उठाया गया था इसके पूरी के पास से इनको वापस कर दिया गया है। फिलहाल देख सकते हैं मनीष भैया, मनीष भैया एक सवाल है, बेरोजगार बहुत देख रहे हैं, इनको देखकर चाहते हैं कि चाय का दुकान खोले, उनके लिए क्या? चाय का दुकान मत खोलिए। आप अगर किसी का कॉपी कीजिएगा तो कभी आगे नहीं बढ़िएगा जिंदगी में, यही चल रहा है ना पटना में, तो जो कॉपी करता है वो आगे नहीं बढ़ता है। आप कुछ यूनिक कीजिए, कुछ भी कीजिए यूनिक कीजिए, और जब आप यूनिक करेंगे ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि मनीष जी बहुत बढ़िया बात करते हैं, बोलते भी बहुत बढ़िया, और संयोग से बिहार में जितना भी
यूट्यूब चैनल है, मैं सबका बोल रहा हूँ, जितना भी यूट्यूब चैनल है उसमें सबसे ज्यादा व्यू है मेरा, जितना भी यूट्यूब। आप ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग कीजिए, उस आप फूड वाला ब्लॉगिंग कीजिए, आप जो है रिव्यू कीजिए, जैसे आता है ना सैमसंग का रिव्यू कर दिए, किसी कार का रिव्यू कर दीजिए, वो काम कीजिए, उसमें जो है मनीष भैया बहुत कमाइएगा और बहुत आगे चले जाइएगा। मैंने मना किया, मैंने बोला कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपने स्टाइल से कर रहा हूँ और वही करते रहूँगा। मुझे बहुत बार ऑफर आया, जैसे मोबाइल का कॉन्फ्रेंस होता है विदेशों में, दुबई में होता है, अर्जेंटीना में होता है, वहाँ से आया, तो मैंने सीधे मना कर दिया कि मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, ये जो कर रही हैं बहुत अच्छे से कर रही हैं, और आप लोग जो अपने हिसाब से काम कीजिएगा वो अच्छे से कीजिएगा, कॉपी कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ पाइएगा।